हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुपर फास्ट स्टडी एंड एक्सपेरिमेंट पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे वेल्डिंग जॉइंट्स के टाइप्स के बारे में, यानी कि टाइप ऑफ वेल्डिंग जॉइंट्स के बारे में बताऊंगा मैं आपको डायग्राम के साथ, और साथ में उसका थोड़ा सा थ्योरी भी आपको बताऊंगा। अगर आप वेल्डर हैं, मैकेनिकल फिटर हैं, या फिर फैब्रिकेटर हैं, या फिर मैकेनिकल इंजीनियर हैं, तो आपको इन सब के बारे में जानकारी जरूर होनी चाहिए। ज़्यादा तो नहीं, पर बेसिक तो आपको मालूम होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही इंडस्ट्रियल टेक्निकल वीडियोस, मैकेनिकल इंजीनियरिंग फील्ड से रिलेटेड वीडियोस इस यूट्यूब चैनल पर मैं अपलोड करता रहता हूँ। 830 से ज़्यादा वीडियोस जो हैं अब तक मैंने अपलोड कर दी हैं, और मैं रेगुलरली नए नए वीडियोस जो है वो अपलोड करता रहता हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। तो फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। तो सबसे पहला जो जॉइंट का टाइप है वो है आपका बट जॉइंट। बट जॉइंट में दो प्लेट या दो स्लैब जिसको आपस में जोड़ना रहता है, दोनों को एक ही प्लेन में रखा जाता है, उसके एक साइड को वी हल्का सा इंक्लाइंड एक डिग्री में काट दिया जाता है, और दोनों का गैप जो होता है वो वी शेप में फॉर्म करता है, और उसी वी शेप में वेल्डिंग किया जाता है, वेल्डिंग मटेरियल वहां पर फिल हो जाता है। नेक्स्ट है आपका टी जॉइंट। जैसे कि नाम से क्लियर है, यहां पर टी फॉर्मेशन बनता है। एक प्लेट नीचे में है और दूसरी प्लेट उसके ऊपर में है, और दोनों का जो प्लेन है वो परपेंडिकुलर है एक दूसरे पर, और ये टी शेप यहां पर बन रहा है, इसीलिए इसे कहा जाता है। जैसे ये राइट एंगल में रहता है दोनों प्लेट एक दूसरे के, और इसको टी जॉइंट कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका कॉर्नर जॉइंट। कॉर्नर जॉइंट जैसे कि नाम से क्लियर है, दो कॉर्नर्स को आपस में रख करके फिर वेल्डिंग किया जाता है ना, और दोनों मेंबर ऐसे लगे रखे रहते हैं कि राइट एंगल बनाते हैं एक दूसरे के साथ में, दोनों का जो कॉर्नर है वो एंड टू एंड अटैच रहता है। तो ये हो गया आपका कॉर्नर जॉइंट। नेक्स्ट है आपका लैप जॉइंट। लैप जॉइंट जो है वो इस तरह से होता है, दो प्लेट या दो स्लैब जो हैं वो आपस में ओवरलैप करते हैं, कुछ पोर्शन उसका जो होता है वो ओवरलैप करता है, और इसीलिए इसे लैप जॉइंट कहा जाता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे में ओवरलैप कर रहे हैं। नेक्स्ट और लास्ट है आपका एज जॉइंट। अ जॉइंट बिटवीन द एजेस ऑफ टू और मोर पैरेलल और नियरली पैरेलल मेंबर, यानी कि जो एज हैं उनके बीच में वेल्डिंग होता है, और दोनों जो प्लेट या फिर स्लैब हैं उनके एज जो हैं वो आपस में कनेक्ट रहेंगे, और वो लगभग पैरेलल भी हो सकते हैं या थोड़े बहुत डिफरेंस में भी हो सकते हैं पैरेलल ना हो करके, तो इसे एज जॉइंट कहा जाता है, क्योंकि कोई एक एज जो है वो यहाँ पर कांटेक्ट में है दूसरे प्लेन के, दूसरे प्लेट के, दूसरे स्लैब के एज के, इसलिए इसे एज जॉइंट कहा जाता है। तो ये पांच टाइप के वेल्डिंग जॉइंट्स होते हैं जिनके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। इसके अलावा एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है इंटरव्यू में मोस्टली, कि लैप जॉइंट और बट जॉइंट में से ज्यादा स्ट्रांग कौन सा होगा, उसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए अलविदा। अगर 1% भी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को।